तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इदरीसी बटन स्टोर। आज ये आप मेरे हाथ में पार्सल देख रहे हैं, ये किस चीज़ के प्लांट्स मैंने जो है मंगाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने हिबिस्कस अमेरिकन वैरायटीज जो है परचेस की है। तो मैंने पिछली बार भी एक बार और परचेस किए थे अमेरिकन हिबिस्कस प्लांट, जो कि मतलब जो है उसमें उसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। और मैंने 42 प्लांट लगभग जो है परचेस किए थे, तो 42 के 42 जो है मतलब जो है ख़राब भेजे थे उसने, कंडीशन अच्छी नहीं थी। फ़िलहाल मैंने जो ये प्लांट्स मंगवाए हैं, ये मेरे आए हैं राकेश दास जी के यहाँ से, जो कि महाराष्ट्र में है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ, ये राकेश दा करके हैं यहाँ पे, राकेश दास, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो बाकी जो है मैं इसको ओपन करता हूँ, और आप ये देख रहे होंगे ये दूसरा एक और है मेरे पास। तो ये शायद मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि मैंने इसको, इनकी पेमेंट जो है 20 अक्टूबर को मैंने इनकी पेमेंट की थी। तो 20 अक्टूबर के बाद जो है काफ़ी समय हो गया मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी तक मेरे पास मेरे प्लांट्स नहीं पहुँचे हैं, और आज जो है नवंबर की लगभग 4 तारीख है। तो आज उन्होंने फिर उसकी कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उन्होंने बाई मिस्टेक के बाई चांस प्लांट्स जो है मेरे ख़राब ना निकल आए, इस वजह से जो है उन्होंने दूसरे प्लांट्स भी मेरे लिए भेज दिए। तो दूसरे ये शायद अभी खोल करके देखते हैं क्या निकलता है, या हो सकता है डबल हैं या सिंगल है। बहरहाल मैंने 6 प्लांट ऑर्डर किए थे, तो फ़िलहाल मैं खोलता हूँ इस वाले पैकेट को, इस वाले को। तो खोलने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक चाकू की, मैं अभी दिखाता हूँ। तो मैं इसको अब खोलने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब जो है मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि हिबिस्कस के प्लांट मतलब कौन सी ऐसी नर्सरी है जो अच्छे प्लांट देते हैं। तो फ़िलहाल मैंने रिस्क लिया है ये दोबारा से, उस बार तो मेरे 8,500 रुपये लगभग जो है डंप हो गए थे, पूरी रकम मेरी ख़राब हो गई थी। और अब इनसे हम देखते हैं कि पहली बार हमने इनसे प्लांट ख़रीदे हैं तो किस तरीके के हमारे प्लांट निकलते हैं। पहले तो हमारे प्लांट अच्छे निकल आए बस, बाकी हमें और रिफंड रिप्लेसमेंट की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। और ये दोस्तों देखिए, ये मेरे मतलब पैकेजिंग इतनी मतलब बढ़िया करके की हुई है इन्होंने, जैसे कि मतलब एकदम फिक्स पैकेजिंग है। अब अंदर देखते हैं इसकी ग्राफ्टिंग टूटती है या प्लांट कैसा है, वो बाद में देख के ही पता चलेगा। ये मेरा एक प्लांट है और इसकी हाइट देखें लगभग जो है 4-6 इंच की लगभग होगी। फिलहाल रखते हैं एक साइड, और ये मेरा दूसरा प्लांट, और ये तीसरा प्लांट, और ये मेरा चौथा प्लांट, और ये पांचवा प्लांट, और ये मेरा छठवा प्लांट। तो दोस्तों अभी मैंने ये 6 प्लांट खोले हैं, और 6 प्लांट के बाद मैं आपको इनकी जो है बैंड, ये रबड़ बैंड भी हटा करके दिखा देता हूँ। नर्सरी का नाम है वो वी द ग्रीन करके है, MH महाराष्ट्र के शायद मेरे ख्याल से हैं ये रहने वाले। तो मैं अभी आपको इसकी रबड़ बैंड निकाल करके दिखाता हूँ, और पैकेजिंग जो इन्होंने की है वो भी आपको दिख जाएगी, अगर यहाँ से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो प्लांट, वो भी आप अपने आप से हिसाब से देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा काम है आपके तक मतलब जेन्युइन जानकारी पहुँचाना, जो मेरे साथ हुआ है वो अगर अच्छा हुआ है तो ठीक है, आप भी उसे ख़रीद लें, और अगर धोखा हुआ है तो उसको आप बचें, ना ख़रीदें, अपने पैसे जो है ख़राब ना करें। तो फ़िलहाल इस प्लांट की जो मतलब जो है हाइट तो छोटी लग रही है, पर जो है कंडीशन देखेंगे कैसी होती है। ये इन्होंने पैकेजिंग तो बढ़िया से की है रबड़ बैंड लगा करके। और ये मेरा रह गया लास्ट प्लांट, छठवा प्लांट। तो अब हम इसको अभी वन बाई वन इसको पेपर हटा करके देखते हैं कि प्लांट कंडीशन किस तरीके से है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंगल प्लांट, इसकी जो हाइट है लगभग यहाँ से ग्राफ्टेड है, ये देखें यहाँ से ग्राफ्टेड है, ये थाई वैराइटीज़ है, और बाकी प्लांट माशाल्लाह बढ़िया है, फुल मैच्योर नहीं है मतलब सेमी मैच्योर है, पर इसकी हम देखेंगे लगाने के बाद इसके लिए हमें क्या लेना है, वो मैं आपको सारी अभी जानकारी दूंगा। तो ये शायद मेरे ख्याल से बाद में भेजा हुआ पार्सल है या पहले भेजा हुआ है, अभी मेरा दूसरा खोलने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको एक साइड रखता हूँ, और इस प्लांट की भी माशाल्लाह कंडीशन बहुत बढ़िया है, और ये भी देखें यहाँ से ग्राफ्टेड है ये, तो इसको भी मैं करता हूँ एक साइड। इनकी जो हाइट है लगभग तकरीबन हाइट जो है छोटी है, 6 इंच के करीब, मतलब 1 फिट के नहीं है ये भी फ़िलहाल, और ये अच्छा भी रहता है, मतलब इसमें कोई डैमेज नहीं, और ये अच्छा भी रहता है कि मतलब प्लांट आपके यहाँ मेच्योर होगा तो अब वो अलग ही लेवल का प्लांट बनेगा, और अगर आप इसका हेल्दी प्लांट बड़ा ले लेंगे तो वो थोड़ा सा उसका रिस्क रहता है।
और ये भी देखें, ये भी हमारा यहाँ से ग्राफ्टेड है और यहाँ से ये भी बड़ निकल रही है, और ये मेरा प्लांट टूटा नहीं है, हालांकि इसकी जो सेफ इस तरीके से है जैसा कि आप देख रहे हैं, और नई नई कली जो है आना शुरू हो चुकी है, और इसकी भी लगभग जो है 6 इंच के करीब हाइट है, तो इसे भी हम रखते हैं वन साइड। और तीसरा मैं आपको दिखाऊँ, ये भी मेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया हेल्दी प्लांट है, जो मैंने पिछली बार मंगाए थे, पता नहीं क्या नाम था उसका, बहरहाल जो भी था लुटेरा था वो, बहरहाल सही आदमी नहीं था, जेन्युइन व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसने फिर बात भी नहीं की, और जब भी फ़ोन लगाओ कि ये हूँ मैं, भला हूँ, व्यस्त हूँ, ये बनाने धमाके की वार्तालाप बताना, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर मतलब ये देखें, इस पर मेरे ख्याल से फ्लावर की जो है कली भी आई थी, हाँ, तो ये टूट गई है छोटी सी। चलिए कोई नहीं, अभी हमें बहुत समय मिलेगा इनके साथ हमें रहने के लिए, तो और ये मेरा शायद ये थोड़ा सा मतलब जो है इसकी कंडीशन नाजुक है, फ़िलहाल देखते हैं सर्वाइव होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल हम इसकी जो है लीव को रिमूव कर देंगे, क्योंकि लीव जो है इसकी एनर्जी शक करेगा, तो उसे जो है हम लीव को यहाँ नहीं रखेंगे, जो हमारे लीव ख़राब हो चुके हैं। फ़िलहाल हम इसको जो मेन हमारा छोटा सा ऊपर का जो ब्रांच है उसे हम रहने देंगे। तो ये मेरे प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन के फ़िलहाल निकले हैं, छोटे के साइज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइज़ कितना ही छोटा हो पर प्लांट हेल्दी हो, हेल्दी का मतलब उसकी रंग रूप रौनक उसकी बड़ी बरकरार होना चाहिए। तो दूसरा भी मैं आपको होल्ड करके दिखाता हूँ, ये भाई ने मेरे जो हैं राकेश दास जी, तो इन्होंने राकेश दास जी ने दोबारा से भी मेरे पास ये, शायद मेरे ख्याल से देरी अवेरी की वजह से, और उन्होंने बोला भी था अगर आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो हम आपको दोबारा से सेंड करेंगे, अगर बाई चांस कोरियर में कोई दिक्कत आती है तो। तो ये सारे कस्टमर्स के लिए इनके यहाँ पॉलिसीज़ हैं, और इसकी जो प्लांट की एक जो कॉस्ट है वो जो प्लांट की एक कॉस्ट है वो 180 रुपये पर प्लांट है। हालांकि रेट तो ज़्यादा हैं, पर क्या करें भाई, ये वैरायटीज़ दूसरी है, तो इस वजह से जो है हो सकता है प्राइस में ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने पिछली बार जो ख़रीदे थे वो भी शायद 100 कुछ रुपए के सामने खरीदे, 199 रुपए के सामने, तो वो तो उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया उनने मेरे साथ, दोबारा से उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, किस तरीके से मतलब जो है ये लूटते हैं कुछ लोग, और हालांकि सभी लोग एक से नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है फ्रॉड, उनकी आदत ही ऐसी होती है फ्रॉड करने की, वो ऑनलाइन जो है, क्योंकि प्लांट लवर जो होता है वो बिना देखे नहीं मानता। अगर आप इसका फूल देखेंगे, फ्लावर देखेंगे, तो वो जो फ्लावर होता है बड़ा नंबर एक का फ्लावर होता है, थाई वैरायटी का, मतलब अमेरिकन वैरायटी जो होती है उसका जो है नंबर एक का जो है फूल होता है, जिसे देख करके कोई भी प्लांट लवर जो है नहीं रह पाएगा। और ये देखिए मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरे दोबारा से शायद उन्होंने भेजे, तो दोनों ही एक साथ मुझे रिसीव हुए हैं। तो इसको भी मैं हटाता हूँ रबड़ को, और मैं आपको दिखाता हूँ इनके प्लांट की कंडीशन भी कि किस तरीके से हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी मेरा माशाल्लाह बढ़िया कंडीशन का है और बेहतरीन है इसकी कंडीशन, और अभी इसकी हाइट भी लगभग 6 से 8 इंच के करीब है, तो इसको भी मैं यहीं रखता हूँ, और मैं आपको सारे के सारे खोल करके अभी दिखाता हूँ कि इसमें कोई मतलब जो है प्लांट हमारा ख़राब तो नहीं है। हालांकि उन्होंने आगे पीछे भेजे थे 20 तारीख, और लगभग जो अभी 4 दिन पहले उन्होंने निकाले हैं मेरे ख्याल से, तो ये वाले या वो वाले दोनों से फ़िलहाल कंडीशन दोनों की ही सेम है और बढ़िया कंडीशन में है। हालांकि प्लांट, जैसा कि मैं आपको फिर से दोबारा से रिकमेंड करता हूं कि प्लांट की जो हाइट है वो ज़रा छोटी है। अच्छा, ये वाला प्लांट मुझे लगता है इसकी क्वालिटी नस्ल ही ऐसी है कि जो इस तरीके से निकल रहा है, मुझे बार दोबारा से लगभग लगता है ये वाला भी इसमें ऐसा निकला था, और ये भी दोनों सेम लगते हैं मुझे ये कलर, तो इनको हम एक साइड रखते हैं, दोनों की कंडीशन भी सेम हो गई है। हालांकि अब पता नहीं आगे देख के जा कर के पता चलेगा कि क्या सीन है इन प्लांट के साथ। तो ये मेरा जो है एक और चौथा प्लांट, जो जिसकी इसकी ब्रांच जो है थोड़ी सी टूट गई है, पर हम इसको जो है यहीं पे बैंड करने की कोशिश करेंगे किसी टेप वगैरह के साथ। हालांकि प्लांट अच्छा है मेरा, इसको रखते हैं एक साइड, क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखिए मिस्टेक होती है कोरियर में, क्योंकि कोरियर वाले जो है इतनी मतलब सेफ्टी के साथ नहीं लाते हैं,
उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते हैं कुरियर वाले, क्योंकि मैंने अभी पिछली बार जो रोज़ा बंसिया मंगाया था पौधशाला.com से, जहाँ पर जो है सारे इम्पोर्टेड प्लांट मिलते हैं, जो प्लांट आपको अगर यहाँ नहीं मिलता हो ईजिली तो आप जो है वहाँ से पौधशाला.com जा कर के खरीद सकते हैं। तो वो बंसिया का जो प्लांट था वो उन्होंने तो बिल्कुल इस तरीके से दोबड़ कर रखा था कोरियर वाले ने, तो वो मुझे बड़ा दिमाग ख़राब हुआ उसको देख करके। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर चाहें तो आप बात आकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमारी जो है ग्राफ्टेड है और बढ़िया है, शानदार है। तो आइए अब मैं जो है इसको रखता हूँ एक साइड। ये मेरे हो गए 12 प्लांट, हालांकि मैंने जो इनकी पेमेंट की थी 6 प्लांट की पेमेंट की थी, तो 6 प्लांट की जो पेमेंट थी 1260 रुपये के करीब इनकी हो रही थी, 180 रुपये के हिसाब में, और कोरियर चार्जेस वो अलग से लगे थे, और जो इनकी कोरियर सेवा है वो ईकॉम सेवा है। तो इन्होंने जो है मुझे बहरहाल बहुत अच्छे मुझे प्लांट लगे। अब बाकी इनके सर्वाइव रेट देखेंगे क्या है। फिलहाल मैं आपको अभी एक प्लांट लगा करके भी दिखाता हूँ कि इसको कैसे लगाना है। हालांकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें रिकमेंड की थी, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊँ। मैं जो ले रहा हूँ वो ये गार्डन सॉयल है, लगभग जो है 40% या 40% के करीब, और 30% जो है वर्मी कंपोस्ट है, और थोड़ा सा मैं राइस हस्क ले रहा हूँ। हालांकि इन्होंने जो रिकमेंड किया है राइस हस्क नहीं किया है, हालांकि इन्होंने रिकमेंड किया है मुझे कोकोपीट और बोन डस्ट और बोन मील, ये आप तीन चीज़ें, और थोड़ा सा नीम की खली, अगर आपके पास नीम की खली है, ये चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की हैं, मतलब इस तरीके से आप लगाएं। फिलहाल मैं उनके तरीके के हिसाब से भी और अपने तरीके से थोड़ा सा लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना ही बोन डस्ट है ना ही बोन मील है। हाँ, मेरे पास नीम खली थी तो वो ज़रूर ख़त्म हो गई। कोकोपीट है, कोकोपीट की जगह मैं ये ले रहा हूँ, क्योंकि कोकोपीट के अंदर किसी भी तरीके कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन होते हैं और ये डिकम्पोज भी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको राइस हस्क को रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कोकोपीट की जगह राइस हस्क को यूज़ करें, चाहें तो थोड़ी बहुत कोकोपीट ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस प्लांट को लगा करके, एक प्लांट की ये मैंने जो है पूरी बनाई हुई है। तो इसके साथ मुझे और कुछ लेना है शायद, ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन ज़रूर लेता हूँ, मेरी एक मतलब जो है मैंने अपनी आदत में शुमार कर लिया है, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन जो कि काफ़ी बेहतर काम करेगा इसकी जो रूट डेवलपमेंट के लिए। हालांकि ये मेरा पनाका का जो है M45 है पावर ग्रो, जो कि फंगीसाइड है, मेरे पास ये साफ ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, ये इसके भी फ़ायदे लाजवाब होते हैं फंगीसाइड के, ये अगर आप साफ़ ना रखें, आप अगर इस तरीके का फंगीसाइड रखना चाहें तो M45 भी रख सकते हैं अपने पास रेगुलर, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो मैंने इसको जो है थोड़ी सी मात्रा में दिया है, बाकी मैं इसको जो है बाद में जब इसको लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं इसको मिला लेता हूँ। फिलहाल लगाने के बाद जो है हम इसमें जो है फिर जो पानी देंगे, तो वो पानी जो देंगे वो पानी में जो है इस तरीके का जो फंगीसाइड आपके पास कोई भी तरीके का हो, मेरे पास अभी पनाका का है M45 M45, तो आप M45 भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो हैं साफ भी यूज़ कर सकते हैं, मैनकोजेब भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइजम जिसमें होती है, और तीसरी चीज़ जो है आप बाविस्टिन यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा है, हालांकि फंगीसाइड सारे एक से ही होते हैं, थोड़ा बहुत बस परसेंटेज का फ़र्क होता है ऊपर नीचे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिलहाल ये मेरी जो है सॉयल मीडिया रख करके हो गई है रेडी, और मैं इसे लगाता हूँ अभी। इसके नीचे देखिए मेरा जो पॉट का साइज है, ये मेरा हालांकि छोटा ही है, इन प्लांट के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगी इस तरीके की ठीकड़ी। ठीकड़ी लगाने के बाद अभी मेरे पास एक ही है, हालांकि आपके पास 4-6 और हों तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं इसके नीचे थोड़ी सी राइस हस्क दे दूँगा, थोड़ी सी राइस हस्क, दो कि इसकी जो अब जैसे इसमें से अगर पानी डालें हम, मिट्टी जो है निकलेगी तो वो इसको जो है यहाँ से छन के जाएगा पानी, और अगर इसके ऊपर से हम देंगे जैसे ये नहीं अगर लगाते हैं तो ये हमारी जो है इसको होल को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे पेड़ मरने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो अभी हम लगाते हैं, एक पेड़ को लगा करके दिखाते हैं हम आपको, बाकी मैं सारे के सारे अभी इसी मेथड से लगाऊंगा। तो मैं अभी इसमें लगाता हूँ ये वाला एक हेल्दी प्लांट, तो इसे मैं खोलता हूँ, इसकी देखता हूँ रूट मतलब किस तरीके से इसकी डेवलप हुई है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। पुश कर ले, तो इसकी हम जो है टेप को हटा लेंगे, और जैसा कि मैं आपको बताऊं इसकी रूट के बारे में, तो रूट इसकी जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से डेवलप है, मुझे दिख रही है यहाँ से, क्योंकि ये देखें
और ये मिट्टी जो है हमारी खुश्क हो चुकी है और मिट्टी जो है इनकी ठीक ठाक कंडीशन में इन्होंने भेजे हैं। हालांकि ये देखिए, ये हमारा शायद सीड से है या कटिंग से, किसी भी चीज़ से ग्रो किया गया है और इसकी भी रूट बढ़िया है। तो फिलहाल मैं इसको अभी लगाता हूँ और लगाने के साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसकी, किसी भी तरीके की रूट को डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब रूट डिस्टर्ब ना होना चाहिए ज़्यादा। अगर डिस्टर्ब होगी तो हमारा ये प्लांट जो है ख़तरे की घंटी में आ जाएगा, और जिससे हमें जो है 200 रुपये का नुकसान तो छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ लोकल नर्सरी में मिलती नहीं है। आप अगर मंगाएंगे तो उसमें टाइम की मेन चीज़ आपका टाइम ख़राब होगा, तो इसलिए आप जो है कोई भी चीज़ आप परचेज़ करें तो ज़रा सावधानी के साथ, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर यहाँ पे आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं विश्वास नाम की चीज़, अगर आपने एक बार दो बार जिससे परचेज़ किया है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने पुराने मतलब जो है सेलर से ही प्लांट परचेस करें जहाँ से आपका भरोसा हो। और फिलहाल मैंने इनसे फर्स्ट टाइम जो है परचेस किए हैं, इससे पहले मैंने जो परचेस किए थे तो बड़ा उसने फ्रॉड किया था मेरे साथ, धोखेबाजी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पैसे तो गए मेरे 8,500 रुपये। तो 8,500 के साथ साथ जो मेरा और समय का नुकसान हुआ, मैंने उसके साथ मेहनत की, क्योंकि वो जो है बड़ा बेकार से प्लांट थे, तो मुझे क्या मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरे साथ कैसा मुझे फील हुआ। तो इस तरीके से आप फंगीसाइड दे दीजिए, और जो नीम खली जो कहते हैं ना, नीम खली यूज़ करें आप, तो नीम खली का जो मेन पर्पज़ यूज़ करने का है वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं बारीक बारीक, तो वो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया वो ना रहें, वो मर जाएं, इसलिए वो इसलिए नीम खली रिकमेंड करते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको कर दिया है अभी रेडी। अभी रेडी करने के बाद अब मैं आपको मिलता हूँ, नहीं अब मैं ये वाले जो प्लांट है मेरे, ये वाले प्लांट में आपको मिला करके फिर बाद में कभी किसी दिन अपडेट दूंगा, तब उसके साथ आपके साथ मिलूंगा। फिलहाल मैं इसमें पानी लगा करके आपको ये मैंने एक कंप्लीट मेथड बता दिया है कि इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप तक जेन्युइन जानकारी पहुंचाना, और अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरीके तो आप प्लीज़ इनको जो है कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आप इनसे बात करें। काफ़ी मुझे तो जेन्युइन पर्सन लगे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की, हालाँकि टाइम भी दिया मुझको, और मतलब जो है व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दिया, और वैसे भी आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से मतलब बिहेव भी इनका बढ़िया था। फिलहाल प्लांट्स आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, आप थोड़ा करीब से दिखाएं इन प्लांट्स को, प्लांट्स काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं, बस हाइट थोड़ी छोटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करती कि हाइट, मगर इसकी प्लांट जो प्लांट है जिस तरीके से मिला है मुझे, मतलब किसी भी तरीके का सूखा हुआ नहीं है, बढ़िया, मतलब एकदम क्या बताऊँ, एक ही नंबर का प्लांट है। अगर आप इस तरीके से प्लांट चाहते हैं, हाइट पे नहीं जाते हैं, तब आप इनसे परचेस कर सकते हैं प्लांट्स। थाई वैरायटीज़ के मिलेंगे इनके पास, जो भी वैरायटीज़ हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये पर्सन जेन्युइन पर्सन है। तो इस तरीके से मैंने जो है फंगीसाइड M45 डाल दिया है, अब धीरे धीरे मैं इसमें पानी दूंगा, हालांकि शावर की मदद से भी देना चाहिए था मुझे, पर मेरे पास वो कैन टूट चुकी है, वो दोबारा से जब लूँगा तो आपके साथ उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, मैं कौन सी लेना चाह रहा हूँ और किस तरीके की मैंने ली है। तो फिलहाल अभी हमारा ये प्लांट्स जो है रेडी है लग करके, और इसका जो मैंने आपको बताया था कि नीचे ये पानी देखें कितनी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, ये अभी थोड़ी ही देर में, मतलब थोड़ी देर छोड़िए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते ही ये पानी नीचे जा चुका है। और इस तरीके से हम इसको, मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब इसको जो कम से कम है 4 से 5 दिन तक लगभग जो है आपको इसको जो है छायादार जगह में रखना है, और कम से कम मेरा अगर कहना माने तो कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही इस प्लांट को धूप के अंदर लेकर के आएँ, क्योंकि अभी ये दूसरे क्लाइमेट से चल कर के आए हैं, तो कम से कम 1 हफ्ता इसे जो है छायादार जगह पर आराम से रखा रहने दें, उसके बाद जो है फिर आप डायरेक्ट सनलाइट में लाएँ, क्योंकि उससे आपका पौधा दिख जाएगा कि हाँ अब ठीक ठाक हो चुका है, ये मतलब जो है डायरेक्ट सनलाइट लेने के लायक ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का भी हमारा हिसाब होता है, ये वेस्ट बंगाल से या फिर कोलकाता से जैसे मंगवाते हैं या फिर बेंगलोर से मंगवाते हैं, और ये मेरा MH महाराष्ट्र से जैसे किस तरीके से आया है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, उस हिसाब का बहुत फ़र्क पड़ता है पेड़ के अंदर। तो आप जब भी प्लांट खरीदें तो कम से कम 4-6 दिन अपने यहाँ रखें, उसके बाद ही उसको रिपोर्ट करें। फिलहाल मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखा दिया, मैंने रिपोर्ट करने के बाद मैं इनको जो है अब बाकी सारे के सारे कम से कम 8-10 दिन तक इनको छायादार जगह पर रखकर रह दूंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा और आपको इसका मतलब जो है अपडेट वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सर्वाइव हुए हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो है
बाकी इनकी जो डिटेल है विस्कस वालों की, भाई साहब की, राकेश दास करके जो हैं, इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो इनसे परचेज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में और नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप स्क्रीन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।